वहीं दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में खैबर पास में डीडीए की डिमोलिशन कार्रवाई शुरू हो गई है। पुरानी मार्केट के आसपास बने मकान और मार्केट की दुकानों को तोड़ा जा रहा है। डिमोलिशन के लिए सुबह से ही यहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बुलडोजर की मदद से डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट की तरफ से पहले ही जगह खाली करने के निर्देश दिए जा चुके थे, हालांकि इस बीच में कुछ लोगों ने कोर्ट से स्टे ले लिया है, जिन पर 9 अगस्त और 13 अगस्त को सुनवाई होगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन जिन लोगों को स्टे नहीं मिला है, वहां डीडीए डिमोलिशन की कार्रवाई कर रहा है। तो डिमोलिशन की कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें जो सामने आ रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सिविल लाइंस इलाके में खैबर पास में डीडीए की डिमोलिशन कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पुरानी मार्केट के आसपास बने मकान और मार्केट में दुकानों को तोड़ा जा रहा है। हालांकि वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पे 80 से 90 साल हो गए, हमारी चार पीढ़ियां यहाँ पे खत्म हो गई। आज 24 घंटे के नोटिस पे इन लोगों ने सारा कुछ तोड़वा दिया। 24 घंटे के नोटिस पे इन्होंने कुछ नहीं, इन्होंने कहा है एलएनडी होगी, ये जमीन है और कोर्ट से ऑर्डर आ गया है। पहले इन्होंने डेमोलिश करा था धोबी लैंड पीछे का एरिया, फिर इन्होंने कहा था कि आपको नोटिस आएगा, कुछ टाइम दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने टाइम इतना दिया है सर 24 घंटे का। 24 घंटे में इन्होंने नोटिस भी नहीं दिया। पुलिस वाले आए थे वर्बली यहाँ पे बोल के गए, अनाउंस करके गए कि आप कल तक अपना सामान खाली कर लो, शनिवार को आके हम डेमोलिश कर देंगे। शनिवार को उनको आप लोगों के पास क्या रास्ता है? अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोर्ट हमारी कोई सुन नहीं रही। अब जिसके पास जैसे जो जुगाड़ है वो अपना, कोई किराए पे जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है। हमारे घर टूट रहा है, हम धूप में बैठे हैं, छाया में बैठे हैं, मंदिर के अंदर वहां से भी हटा के बैठ दिया, वहां से भगो। अगर छत नहीं है, कुछ नहीं है, हमने सिर्फ समय मांगा था, समय दे दो। हमें पहले 32 एकड़ का बताया गया, 32 एकड़ बताया नहीं रहा कि हमारी लैंड है। आपका नहीं है चलो, आपका नहीं है चलो, आपका नहीं है चलो। आज फिर 2 दिन पहले आते हैं जी, 32 एकड़ में आप भी हो जी। 4 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं, क्या 2 दिन के अंदर हम सामान निकाल सकते हैं क्या सर? पूरे घर आप बताओ, घर बनाने में सदियों लग जाती है, घर उजाड़ने में 2 दिन दे रहे सर बाबू। तो दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में खैबर पास में डीडीए की डिमोलिशन की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है और वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो काफी ज्यादा नाराज हैं। उनका कहना है सिर्फ 24 घंटे का समय दिया गया खाली करने के लिए, ऐसे में उनका कहना ये है कि इतने सालों में हमने इस घर को बनाकर तैयार किया और 2 दिन में ये हमारे घर को तोड़ देंगे। व्यवस्था भी ऐसा कुछ की नहीं गई है, जिसकी वजह से अब जो वहाँ पर निवासी रह रहे थे, सबसे पहले तो उनको बनाने की परमिशन किसने दे दी, वो वहाँ पर एक सवाल खड़ा हो जाता है। और जब परमिशन दी गई थी तब क्यों नहीं ध्यान दिया गया, अब जब कार्रवाई की जा रही है तो उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने परमिशन दी थी वहाँ पर घर बनाने की, अगर अवैध तरीके से बनाया गया है तो। ऐसे में देखिए वहाँ के स्थानीय लोग परेशान हैं और नाराज़ हैं, अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, लेकिन मजबूर हैं। जो अपने लिए जो व्यवस्था कर पा रहा है वो उस व्यवस्था के तहत अब शिफ्ट हो रहा है, लेकिन उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 24 घंटे में घर खाली करने के, मकान खाली करने के बाद जो है वो डीडीए की तरफ से कही गई है। ऐसे में देखिए कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ जाते हैं। फिलहाल तो दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में खैबर पास में डीडीए की डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू हो गई है। पुरानी मार्केट के आसपास बने मकान और मार्केट की दुकानों को तोड़ा जा रहा है। डिमोलिशन की कार्रवाई के लिए सुबह से ही यहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। बुलडोजर की मदद से डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट की तरफ से पहले ही जगह खाली करने के निर्देश दिए जा चुके थे, हालांकि इस बीच में कुछ लोगों ने कोर्ट से स्टे ले लिया, और जिन पर 9 अगस्त आई होगी फिर कार्रवाई होगी। लेकिन जिन लोगों को स्टे नहीं मिला, वहाँ डीडीए डिमोलिशन की कार्रवाई कर रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज गौड़ लाइव कनेक्ट हो गए हैं दिल्ली से हमारे साथ। सीधे नीरज का हम रुख कर लेते हैं। नीरज, अभी भी कार्रवाई हो रही है वहां पर, आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? अभी भी बुलडोजर चल रहा है? देखिए बुलडोजर जो है सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास शुरू हुआ था, उसके बाद यहाँ पर लगातार जो कार्रवाई है प्रशासन की तरफ से वो यहाँ पर की जा रही है। ये जानकारी है कि पूरा एरिया जो है करीब 32 एकड़ के आसपास का है जो कि एलएनडीओ का है, और इसके साथ यहाँ पर कुछ ऐसी दुकानें हैं जिनको कोर्ट की तरफ से स्टे मिल गया है, और इसी के साथ ज़्यादातर एरिया जो है उसको तोड़ा गया है। और पीछे की तरफ जो कार्रवाई है वो सारी यहाँ पर चल रही है, बड़ी जो मशीनें हैं उनकी यहाँ पर मदद ली जा रही है। और इसी के साथ सुबह करीब 6 बजे के आसपास ये ड्राइव शुरू हुई थी और कई जो मकान हैं उनको सारा तोड़ा जा चुका है। यहाँ पर मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, बाहर की तरफ भी यहाँ पर कुछ दुकानें थी, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर रहते थे, वो सभी एरिया आप देख
देख पा रहे हैं कि पूरे तरीके से तोड़ दिया गया है और ये बड़ी जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ में येलो वाली और वाइट वाली, इन दोनों को भी तोड़ा जाएगा। इसके साथ में कई बड़ी इमारतें हैं उनको भी तोड़ा जाएगा। और ये जानकारी है कि ये सभी मकान, ये सभी बिल्डिंग जो है यहाँ पर अवैध तरीके से यहाँ पर बनाई गई थी और उसके बाद लगातार प्रशासन इनको यहाँ से खाली करने के ऑर्डर भी दे रहा था और उसके बाद में उनको नोटिस भी दिया गया और उसके बाद में अब यहाँ पर जो मकान है उनको तोड़ने का जो काम है यहाँ पर लगातार यहाँ पर चल रहा है। आप देखेंगे जो बड़ी मशीनें हैं वो आगे बढ़ रही हैं। अभी यहाँ पर जो बुलडोजर था वो चलाया जा रहा था, अब उससे बड़ी जो मशीनें हैं पोकलैन मशीनें हैं, हाँ हाइड्रोलिक जो मशीनें हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है ताकि जल्दी से जल्दी इस पूरे एरिया को यहाँ से तोड़ा जा सके, इसको डेमोलिशन किया जा सके। तो उसको लेकर के अभी कार्रवाई जो है यहाँ पर लगातार चल रही है। नीरज, यहाँ पर डेमोलिशन की कार्रवाई तो डीडीए की तरफ से की जा रही है, लेकिन जो लोग यहाँ पर रहते थे जिनको बेघर कर रहे हैं उनके लिए कोई व्यवस्था भी की गई है क्या? यहाँ पर कई जो लोग हैं इनसे बात करते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? राम सबत। आप यहाँ पर रहते हैं, कब से रह रहे हैं आप? यह हम रहे हैं 1979 से। अच्छा, क्या प्रशासन की तरफ से कोई आपकी मदद की जा रही है अभी? नहीं, कोई नहीं, कोई मदद नहीं है। अच्छा, कोई मदद ही नहीं, तोड़ने का एकदम से नोटिस दे दिया और एकदम से ये बुलडोजर चला दिया, क्योंकि हमारे दादा परदादा भी यहाँ पे रह रहे कि यहीं गुजर गए और हमने भी यहीं जन्म लिया सर, और एकदम से आके आज बुलडोजर चला दे, समझ लो हमारे घर में इतना बुरा हाल है, हमारे माँ बाप का कुछ कहना नहीं। कितने मकान हैं अंकल जी यहाँ? यहाँ 84 मकान तो उधर है और 60 मकान उधर है, अलग अलग है ना। क्या बोला जा रहा है तोड़ने के लिए? क्या बोला जा रहा है तोड़ने के लिए? कुछ बोल ही नहीं गया, क्या बता रहे हैं कि सारे गलत तरीके से बनाए गए थे। हाँ, कह रहे हैं लीगल है, गलत लीगल है, कुछ नहीं बताया। कहाँ पर रह रहे हैं मकान टूटने के बाद? अभी तो ऐसे घूम रहे। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। आप भी रहते हैं? नहीं, हम मजनोटले में रहते हैं। कब से देख रहे हैं यहाँ पर मकानों? मकान तो काफ़ी समय से देख रहे हैं, करीब आपके जानकार भी होंगे? हाँ यार, दोस्त भी है, जानकार भी है। तो कहाँ रह रहे हैं वो सब लोग? अब सब अपने अपने ठेके पे चले गए होंगे, कहीं किराए पे रेंट पे लेके चले गए होंगे। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है? परेशानी तो बहुत ही हो रखी है, क्योंकि 9 दिन का समय दिया था टूटने के लिए। हाँ, सब चले गए। तो देख सकते हैं लगातार पुलिस का भारी संख्या में यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है और देख सकते हैं पूरे एरिया को छावनी में तब्दील किया है और किसी भी तरीके से यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है वो ना बिगड़े उसको लेकर के लगातार प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है। कई बुलडोजर्स यहाँ पर लगाए गए हैं इस पूरे एरिया को। आप देखेंगे ये ठीक जो रोड आप देख रहे हैं माल रोड को ये कनेक्ट करता है, जिसे कि सिविल लाइन रोड कहा जाता है। विधानसभा, LG ऑफिस, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी यहीं पास में ही रहते हैं, इस पूरे एरिया में रहते हैं। तो इस पूरे को काफ़ी पॉश कहा जाता है दिल्ली का। और इसी के साथ जहाँ पर ये जो कार्रवाई की जा रही है, ये खैबर पास का इलाका इसे कहा जाता है, जो कि LNDU की जमीन बताई गई है, ज़मीन बताई गई है। और उसके बाद यहाँ रहने वाले लोगों को लगातार कई बार नोटिस दिया गया था, उनको यहाँ से घर खाली करने के आदेश दिए गए थे। घर खाली करने के तो आदेश दिए गए नीरज, लेकिन वो उनका घर है जो उन्होंने बनाया है वहाँ पर, पहले किसने परमिशन दे दी उन्हें बनाने के लिए? जिसने परमिशन दी क्या उस पर भी कोई कार्रवाई की? किसी को बेघर कर रहे हैं आप बिना किसी व्यवस्था के, कहाँ जाएगा एक इंसान? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि दिक्कत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर किसी का आशियाना है, अगर आप उसे उजाड़ रहे हैं, उसकी पूरी फैमिली यहाँ पर रहती है, कई घर यहाँ पर रहते हैं और इसी के साथ पूरा परिवार जो है यहाँ पर रहता है, उसके बाद में अचानक से घर को तोड़ देना, तो कहीं ना कहीं लोगों की समस्या ज़रूर है। और इसी के साथ प्रशासन की तरफ से भी कोशिश की जाएगी कि आखिरकार इनको फिलहाल टेम्परेली बेस पे इनको जो है कहीं शिफ्ट किया जाए, तो उसको लेकर के प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोशिश भी है। बहुत से लोग हैं जो यहाँ आसपास में रह रहे हैं और इसी के साथ यहाँ पर पुलिस की भी कोशिश है कि आखिरकार माहौल यहाँ पर शांतिपूर्ण। बड़ी बात तो यह है कि करीब 300 से ज़्यादा जो मकान हैं उनको तोड़ने का आदेश है। और ये जानकारी है कि इन नोटिस जो है वो सभी को दे दिया गया था, खाली करने के आदेश दिए, और उसके बाद में प्रशासन यहाँ पर पहुँचता है और फिर सभी जो मकानों को तोड़ने का जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाता है। और ये भी जानकारी है कि कुछ ऐसे मकान हैं जिनको जो है कोर्ट की तरफ से स्टे मिल गया है कुछ दिनों के लिए, ताकि अपना सामान और अपने जो भी कुछ चीज़ें हैं उनको यहाँ से हटाएं। जी, लगभग कितने बेघर हो रहे हैं यहाँ पर लोग, कितने परिवार बेघर हो रहे हैं? नीरज, आपने बात की होगी वहाँ पर लोगों से।
देखिए ये जानकारी है कि करीब 300 से ज़्यादा मकान हैं, कई बड़ी यहाँ बिल्डिंग्स हैं जिसमें ऑफिस चलते थे, जिन्होंने कई लोगों ने अपने जो दुकानें थी अपनी बिल्डिंग्स थी उनको किराए पर जानकारी है कि करीब अगर 350 के आसपास मकान बता रहे हैं जिनको तोड़ने के आदेश हैं, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करीब यहाँ पर 1500 से ज़्यादा जो लोग होंगे वो यहाँ पर रहते होंगे। तो पूरा जो इलाका है, पूरा जो रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, ताकि और इसी के साथ प्रशासन की भी कोशिश है कि इनको कहीं इनको टेम्परेली इनको रखा जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनके जो घर है उसको तोड़ दिया गया है, उनके आशियाने को उजाड़ दिया गया है और बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लाई गई हैं। बहुत सारे लोग हमने देखे जो कि रो रहे थे लेकिन हमसे बात करने से कतरा रहे थे, और वो ये भी मानते हैं कि आखिरकार वो यहाँ जो रह रहे थे ये ज़मीन उनकी नहीं है, वो यहाँ पर अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे थे, क्योंकि प्रशासन लगातार उनको घर यहाँ से खाली करने के आदेश दे रहा था, और उसके बाद में बहुत से लोगों ने अपने घर यहाँ से खाली भी कर दिए हैं, कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं, और अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। बट विस्थापित पहले करना होता है, किसी का घर तोड़ने के बाद आप उसे विस्थापित कर रहे हैं, आपके आसपास लोग मौजूद हैं क्या, उनसे और जरा बात करिए, क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा गया है कि 24 घंटे का बस टाइम दिया गया कि 24 घंटे में खाली करके चले जाओ। देखिए अभी फिलहाल पुलिस ने सभी लोगों को यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि अगर कोई यहाँ पर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करे तो उसको लेकर के पुलिस ने सभी लोगों को यहाँ से हटाया है, और ये रोड पहले कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया था, अभी फिर इसको खोला गया है। पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है, और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आप खुद भी समझ सकते हैं कि आखिरकार किसी का घर को अगर उजाड़ा जाए जो काफ़ी समय से यहाँ पर रह रहे हों, और उसके बाद में सुबह अचानक से यहाँ बुलडोज़र पहुँचे और नोटिस भी दिया गया था, उसके बावजूद यहाँ पर जो घर थे कुछ लोगों ने अपने घर यहाँ खाली नहीं किए थे, और फिर उसके बाद में सुबह बुलडोज़र पहुँचता है, भारी संख्या में पुलिस यहाँ पर पहुँच जाती है, उसके बाद में उनके घरों को तोड़ने का जो काम है वो यहाँ प्रशासन की तरफ से शुरू होता है, जो लगातार जारी है, जिसको पूरा होने में बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन का समय भी लग सकता है। ठीक है नीरज, जो आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे, शुक्रिया फिलहाल इन सारी जानकारियों के लिए।